एक स्मार्ट वॉच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है कि वो भाई टाइम दिखाए हमको एंड उस चीज के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे पर्सनली मैं बहुत सारी घड़ियों को यूज करना छोड़ देता हूं सिर्फ और सिर्फ एक रीजन के लिए वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड जब रेडमी ने अनाउंस किया कि भाई हम चार का स्मार्ट बैंड प्रो निकालेंगे जिसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आने वाला है वो भी एमोलेट वाला तो आई वॉज लाइक भाई ये की है ना तुमने दिल की बात तो मैंने उसको परचेस किया पिछले ऑलमोस्ट चौदह पंद्रह दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ बेसिकली बैंड है वॉच नहीं है एंड मैंने इसको थर्टी फाइव में परचेस किया है

So, कुछ इस तरह का बॉक्स है स्मार्ट बैंड रो यहाँ पर लिखा हुआ है इस साइड में कुछ डिटेल्स है लाइक ओलेट डिस्प्ले है इसके अंदर थ्री पॉइंट थ्री सेवन सेंटीमीटर का ऑक्सीजन सेचुरेशन डेफिनेटली हंड्रेड प्लस एक्सरसाइज मोड है इसके अंदर टू वीक्स की बैटरी लाइफ है एंड इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर इसमें फीचर हाईलाइटेड है ये रहा मेन बैंड ओके इसके अंदर एक भी बटन नहीं है कुछ इस तरह से निकलता है यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद ये रहा वो मैग्नेटिक चार्जिंग प्रोंग ये कुछ इस तरह से फिट होगा बाकी और कुछ भी नहीं है बॉक्स के अंदर यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस आ रही है नेक्स्ट स्कैन टू टू डाउनलोड डाउनलोड ओके वी हैव द शाओमी वेयर एप्लीकेशन फॉर दिस स्लिम सा है नॉर्मल मी बैंड आते है उसी टाइप का कुछ डिजाइन है बट निकलने का स्टाइल यहाँ पे अलग है जो ये बैंड है ये काफी मोटा था इस बार जैसे कि आप लोग देख रहे हो लेकिन वही कंपोजिट प्लास्टिक में बनाया हुआ काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है भाई एंड जो डिस्प्ले भी है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो काफी मस्त है इस बार डिस्प्ले विल सी ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का काम करता है पैड सक्सेसफुली कुछ इस तरह का लुक आता है इधर पे सब एप्लीकेशन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा सो so सोई जो आपने अनबॉक्सिंग देखा वो ऑलमोस्ट पंद्रह दिन पुरानी थी अब हम बात करते हैं स्मार्ट बैंड की अभी देखो मैं पंद्रह दिन से यूज कर रहा हूँ उसके बावजूद भी मेरे को स्क्रचे वगैरह इसके ऊपर देखने को नहीं मिल रहे वेरी गुड थिंग यू नो पीछे के साइड में भी अच्छा है इधर पे हल्के फुल्के मार्क देखने को मिल रहे हैं जो ऐसा रब करने पे हल्के फुल्के निकल जाते हैं जो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन है इसका वो काफी सुपर है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है सिर्फ पंद्रह ग्राम है भाई तो फील भी नहीं होता अगर आप पहन लोगे ना हाथ में तो फील भी नहीं होता इतना ज्यादा लाइट वेट है भाई प्लस ये जो बैंड है वही रेडमी का जो बैंड था पहले मी बैंड फाइव उसी टाइप का पतला सा बैंड है और इस साइड से ही पतला है बट काफी कंफर्टेबल है बिल्ड क्वालिटी भी जबरदस्त है ये चीज मैं बोलूंगा और पूरा प्लास्टिक में बना है सामने की तरफ एक ग्लास है ये जो डिजाइन है ऐसा बैंड नहीं मिलता है थोड़ा सा बड़ा है इसका डिस्प्ले भी थोड़ा सा बड़ा है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ऑनर बैंड आया था रिसेंटली कुछ टाइम पहले उसके टाइप का कुछ डिजाइन इसका है देखो डिजाइन कैसा होता है ना लुक्स एंड डिजाइन वगैरह ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव होता है किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं पसंद आ सकता है पहले मुझे ये टाइप का डिजाइन बहुत पसंद आता था लेकिन अब मुझे पर्सनली वॉचेस वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट आता है बैंड वगैरह में इतना मजा था, जैसा आपका पर्सनल चॉइस है लेकिन लुक्स में भाई काफी अच्छा है कोई भी देखने को नहीं मिलता है स्विमिंग मतलब पूल में भी लेके जाओ कोई भी होने वाला नहीं है अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो देख रहे सब कुछ दिया है ये जो डिस्प्ले आप लोग देख रहे हो वन इंच की एमुलेट डिस्प्ले है बहुत तगड़ी ब्राइटनेस वगैरह है चाहे धूप में रहो चाहे कहीं पे भी रहो कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है एंड जो एमुलेट डिस्प्ले होने की वजह से जो क्वालिटी आती है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है बेसिकली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो इसका सबसे बड़ा फीचर है देखो ये आ गया ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में है ना ये ऑलवेज ऑन ही रहता है इस चीज की वजह से ही ये घड़ी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई एंड इसी चीज की वजह से मैं इसको पहनना ज्यादा पसंद करता हूँ कि भाई एक ग्लांस कर लिया हाँ सामने टाइम दिख गया मेरे को तो ये सॉर्टेड रहता है बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सुपर है एमोलेट है तो उस कलर वगैरह सेचुरेशन वगैरह बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है ये चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगा लेकिन ये फिनिक है कभी काम नहीं करता है तो ये चीज है बाकी अगर इसका यूआई का बात करूँ सॉफ्टवेयर वगैरह तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है देखो फिलहाल काम ही नहीं कर रहा है ya yeah, da इधर पे हार्ट रेट है तुम्हारा एस टू है वेदर है इधर पे वर्कआउट है इधर पे तुम्हारा वर्कआउट का स्टस है ये जो है ना ये घड़ी के इस साइड जाओगे तो वही पूरा रिपीट हो जाता है यहाँ पर तुम्हारा क्विक टॉगल है जिसमें टॉर्च है टॉर्च वगैरह ऑन कर सकते हो एंड ऐसा इस साइड करोगे ना तो बैग हो जाएगा इधर पे ये आपका डो नॉट डिस्टर्ब है हाथ में पहनोगे नहीं इसको कंटिन्यूसली ऑन रखना है तो ये सेटिंग है सेटिंग में बहुत सारा सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है बैंड का डिस्प्ले मतलब फेस जो है वो चेंज कर सकते हो वॉच फेस इधर ब्राइटनेस का सेटिंग है डीएनडी का सेटिंग है वर्कआउट का सेटिंग है पिन लगा सकते हो आप इसको बेसिकली लॉक कर सकते हो जो बहुत ही अजीब सी चीज है एक घड़ी को कौन लॉक है वाइब्रेशन का सिस्टम यहाँ पर आप सब चीजें मिल जाएंगी अगर देखो ऐसा साइकिल तो ट्रैक कर सकते हैं स्पेशली वेदर है म्यूजिक है कैमरा सिस्टम है मतलब तो अपने फोन में फोटो ले सकते हो अलार्म है स्टॉप वॉच है, है टाइमर है नोटिफिकेशन एंड फाइन आप क्लिक करोगे सर्च पे क्लिक करोगे तो आपका फोन बजने लगेगा जी हाँ ये मेरे वन प्लस के फोन में शामी की रिंग रही है <laughs> तो ये अलग चीज है बाकी इधर नीचे फ्लैश लाइट है और वही सेटिंग देखने को मिल जाती है एंड ऊपर से अगर स्वाइप डाउन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है बाकी अगर जो ये शामी का वेयर एप्लीकेशन है जो आप अपने फोन में डाउनलोड करोगे ये भी काफी अच्छा बनाया है भाई इस बार इन लोग ने मॉडर्न सा डिजाइन है तो मेरे को अच्छा लगा भाई इधर पे टाइल्स वगैरह पूरा सिस्टम है इधर वर्कआउट आप अपना ट्रैक कर सकते हो इधर प्रोफाइल में जाओगे यहाँ पर आपका रेडमी बैंड प्रो है इसके अंदर आप जाके अलग अलग टाइप के फेस जो वॉच फेसेस है वो यहाँ से आप ले सकते हो इधर पे आप अलग अलग सेटिंग डिसेबल कर सकते हो यहाँ पर आप इनकमिंग कॉल आना चाहिए यानी आना चाहिए हार्ट रेट का ट्रैक होना चाहिए सारी चीजें आप पर चेंज कर सकते हो अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो तो ये सारी चीजें विजेट इवन जो विजेट का लेआउट है वो सब आप चेंज कर सकते आप का चेंज कर कर सकते सकते हो हो का लेआउट तो ये सारी चीजें पर आप इसको अपडेट भी कर सकते हो और एप्लीकेशन काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा है देखो कैसा है ना रेडमी है तो हम ये नहीं सोच सकते कि कोई जो छोटा मोटा ब्रांड होगा उसके जैसा हाफ बेक्ड एप्लीकेशन होगा इसका एप्लीकेशन काफी अच्छा है लेकिन अभी भी बहुत सारे बग्स मेरे को देखने को मिलते हैं जैसे कि अगर मैं टच करता हूं तो तुरंत नहीं वेक होता देखो अभी हो गया तो कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता थोड़ा सा फिनिकी है ये सारी लेकिन जो बेसिक चीजें इसकी, वो बहुत ही ज्यादा सुपर है और बहुत अच्छी लगती है मेरे को डिस्प्ले सुपर बैटरी लाइफ की अगर बात करूं तो भाई इन लोग ने बोला है पंद्रह दिन की बैटरी लाइफ लेकिन मैंने प्रॉपरली एकदम हार्ट रेट वगैरह एकदम सब कुछ मैक्स बोलते ना वो सब करके देखा तो उसके अंदर देखो यहां पर है दिन की बैटरी लाइफ मेरे को मिली और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद करोगे तो पंद्रह दिन की प्यार से आपको बैटरी लाइफ मिलेगी मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू करके ही चेक किया ओवरऑल मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई बैटरी लाइफ भी बाकी इसके अंदर वर्कआउट में अगर मैं आपको दिखा दू तो देखो आउटडोर रनिंग वॉकिंग ट्रेडमिल ट्रैकिंग ट्रेल रन बहुत सारा मतलब बहुत ही सारी